आज सुबह ही सुबह लगभग 8:30 बजे के करीब कोटद्वार से बिजनौर जा रही कोटद्वार डिपो की बस संख्या UK07PA2888 दूसरी गाड़ी को साइड देने के चक्कर में सड़क किनारे मिट्टी पर चढ़ गई और डिसबैलेंस होकर पलट गई। बस में काफ़ी यात्री सवार थे। बस में सवार अशोक निवासी पौड़ी गढ़वाल, कुसुम निवासी कोटद्वार और सृष्टिपाल निवासी नगीना देहात को चोटें आई हैं, जिनको किरतपुर CSC में भर्ती करवा दिया गया है। बस पलटने की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और व्यवस्था करवाते हुए बस को वहां से हटवाया गया। बस में सवार यात्रियों का कहना है कि बस का चालक बस चलाते वक्त फ़ोन पर बातें कर रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हादसा होने के तुरंत बाद बस का ड्राइवर बस में से कूदकर फरार हो गया। हादसा किरतपुर में पेश आया है। आपका नाम क्या है? कहाँ से आ रहे थे आप? कोटद्वार से आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे। तो ये हादसा कैसे हो यहाँ है? वो फोन के लगा था ड्राइवर। अच्छा, आई गाड़ी। कल जी आपका नाम? जी कहाँ से आ रहे थे आप? कोटद्वार से दिल्ली जा रहे थे। ये हादसा कैसे हो यहाँ है? ये हादसा ऐसा हुआ कि ये तीरथपुर पार करने के बाद ये मोबाइल के फोन पे लग गया। जी पीछे से आई दूसरी गाड़ी, अब इसने मोबाइल पे क्या इसने कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये ऊपर ले गया कहाँ मट्टी के ढेर में। कितने आदमी के हादसा होया ये? इसमें 300 चले गए एम्बुलेंस में, बाकी तो नॉर्मल टूर तो सभी को आ रही है। किसी के सिर पे, हमारे भी सिर पे पूरी माने वैसे नहीं हुआ लेकिन पूरा सिर ऐसा हो रहा था। तो ड्राइवर कहाँ है इस टाइम? ड्राइवर तो उसी समय भाग गया। ड्राइवर भाग गया। ठीक।